सो कल जो हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे, तो हम लोग कर क्या रहे थे मेनली, हम लोग जो टॉपिक था वो था हमारा दैट इज हाइड्रोस्टेटिक फोर्सेस ऑन सर्फेसेस, ठीक है ना। पानी का जो फोर्स होगा वो हमने सर्फेस पे देखा था, उसमें जो फर्स्ट जो हम लोगों ने यूज किया था वो था वर्टिकल प्लेन सर्फेस सबमर्जन लिक्विड, ठीक है। वर्टिकल प्लेन सर्फेस सबमर्जन लिक्विड मतलब इस केस में क्या होगा, कोई भी एक वर्टिकल चीज होगी है ना, कोई भी लकड़ी का या किसी भी मटेरियल का आपका कोई वर्टिकल पैनल होगा जो पानी के अंदर क्या होगा डला हुआ होगा, और हम उसके ऊपर देखेंगे कि उसके ऊपर कितना प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, कितना फोर्स या कितना प्रेशर लग रहा है। ओके, सो इसके अंदर हमारे पास मेनली दो फॉर्मूले आए थे, दैट इज एक तो था टोटल प्रेशर का फॉर्मूला, ठीक है, वी वर हैविंग अ फॉर्मूला फॉर द टोटल प्रेशर, क्या फॉर्मूला था, रो जी ए एच बार, ठीक है ना, व्हाट वाज द फॉर्मूला, फोर्स वाज इक्वल टू रो जी ए एच बार, ठीक है, इट वाज द टोटल प्रेशर फोर्स, ध्यान रखना, इट वाज द टोटल प्रेशर फोर्स, इट वाज नॉट द प्रेशर, इट वाज द प्रेशर फोर्स, फोर्स ड्यू टू अ प्रेशर, ठीक है। और एक जो फॉर्मूला देखा था वो था हमारे पास दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर, ठीक है ना, इट वाज द मेजर फॉर्मूला, द अदर फॉर्मूला वाज सेंटर ऑफ प्रेशर। इनको जितना लिखोगे, जितना इन पे प्रैक्टिस करोगे उतना याद होगा, एंड इट वाज गिवन बाय एच स्टार इज इक्वल टू आई जी अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। ओके, नाउ the thing is that you must have to know the meaning of all these things, theek hai, ki h bar vagera kya hai and all that, theek hai, so this was the major formula, main exams jo hote hai tumhare gate vagera ias unme bhi bahut pucha jata hai inko, theek hai na, inko yaad hai, jo rho hai wo hamare paas density of liquid hai, theek hai, in kilogram per meter cube, sorry, theek hai, then we are having g that is acceleration due to gravity, wo tum jante hi ho, theek hai, uska main na likhu to bhi chalega, theek hai, then we are having a is the area of that plane, okay, area of the plane, plane matlab jo tumne submerge kiya hai ye jo hai na jo iska area, theek hai, now the h bar is the distance of cg, cg is center of gravity from the free surface of water, from the free surface of वाटर या फ्लूड जो भी हो सकता है, ठीक है, अगर लेट से हम मान के चले कि यहाँ पे कोई फ्लूड है इसके अंदर, ठीक है ना, कोई हमारे पास फ्लूड है और इसकी सीजी समथिंग यहाँ कहीं है, तो यहाँ से फ्री सरफेस वाटर तक की जो डिस्टेंस होगी इट विल बी नोन एज एच बार, इसको हम जी लिखते हैं, ठीक है, कैपिटल जी, जहां पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना उसको, अभी मैंने इसको एक्सपांड नहीं किया, मैंने जस्ट ऊपर ही चीजें लिखी है, ठीक है, तुमको मैं एक बार में दिखा दूंगा, दिस वर द टू फार्मूलाज दैट वी आर गोइंग टू यूज, नाउ विल लुक ऑन टू द न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल लिखने से पहले मैंने तुमको बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा अबाउट दी सीजी, सॉरी थ्रू दी सीजी, वो हमारे पास वैल्यूज यहाँ दे रखी है, रेक्टेंगल का होता है बीडी क्यूब बाय 12, ट्रायंगल का बीएच क्यूब बाय 36, सर्कल का पाई डी 4 बाय 60, सॉरी पाई डी 4 बाय 64, ठीक है, एंड सो ऑन, नीचे ट्रेपेज़ियम का, फिर हमने कल एक क्वेश्चन भी चालू किया था, दैट इज अ रेक्टेंगुलर प्लेन सरफेस 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर डीप ये वाला, ठीक है, मैं इसको एक बार ड्रॉ करूंगा क्योंकि इसका सेकंड पार्ट हमको करना बाकी है, तो दैट विल डू इट, ठीक है, कैसे करना है वो सब अपन एक एक करके देखेंगे, ठीक है ना, हाउ वी आर गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू सी दैट, ठीक है, तो हमारे पास आता है अभी पहला क्वेश्चन, ठीक है, विल राइट, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1, तो ये कह रहा था हमको कि मैं एक बार क्वेश्चन कर लेता हूँ फिर मैं एक्सपांड करूंगा, तो एक रेक्टेंगुलर प्लेन सर्फेस है 2 मीटर वाइड, 2 मीटर ऐसी वाइड है हमारे पास, ठीक है, एंड 3 मीटर डीप, 3 मीटर हमारे पास क्या है डीप, तो एक रेक्टेंगल जैसी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है, इट विल बी लाइक दिस, दिस विल बी द 3 मीटर एंड दिस विल बी द 2 मीटर, ठीक है, प्लेन सरफेस है, इट लाइज इन वर्टिकल प्लेन इन वाटर, वर्टिकली पानी के अंदर है, ठीक है, अति सुंदर, डिटरमाइन द टोटल प्रेशर एंड पोजीशन ऑफ सेंटर, मतलब आपको एफ निकालने का है और आपको एच स्टार दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर निकालने का, ठीक है, व्हेन इट्स अपर एज इज हॉरिजॉन्टल, जब इसकी अपर एज हॉरिजॉन्टल हो, अपर एज ये होगी, तो अपर एज अभी हॉरिजॉन्टल ही है, एंड ए, एक तो ए आ रहा है दैट इज इट कॉन्साइड्स विद द वाटर सरफेस जो कि हमने कल कर लिया है, सेकंड आ रहा है B, that is 2.5 meter below the free surface of water. मतलब ये बोल रहा है कि अगर यहाँ पे कहीं ऊपर free surface of water है, तो उससे वो कितनी नीचे है? 2.5 meter नीचे. कितने नीचे है? 2.5 meter below the surface of water. तो यहाँ पे क्या चेंज होगा? पहले वाले में क्या था? ये जो सर्फेस थी ना, ये जस्ट यहाँ पे चिपकी हुई थी ऊपर थी, तब हमने सिंपल 3/2 कर दिया था और हमारे पास एच बार आ गया था, और यहाँ पे हमारा एच बार जो होगा ना वो निकालने का थोड़ा सा ट्विस्ट ना, तो ये हमारे पास केस है, ठीक है, ये हमारे पास हमारी प्लेन सरफेस है, ठीक है, जो भी हमारी
कुछ भी हो सकता है, पैनल वगैरह कुछ भी, ठीक है ना, ये हमारे पास हमारी सरफेस। नाउ वी नीड टू फाइंड द फोर्स। चलो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ओके नाउ सो हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, वी आर हैविंग अ फॉर्मूला फॉर एफ, वी आर हैविंग एफ इज इक्वल टू रो जी ए एच बार, सिंपल एज दैट। अब इसमें से जो जो चीजें हमको डिलीमिटेड, पानी ही है तो रो तो हमारा सिंपल हो जाएगा 10^3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, एक चीज तो पूरी होगी, ठीक है। जी हमारा 9.81 होता है, दैट वी नो, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। एक और चीज होगी एरिया, एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया विल बी इक्वल टू जो प्लेन का एरिया, दैट इज 3 × 2, इट इज 6, कितना मीटर में, मीटर स्क्वायर। ओके तो ए भी हो गया। अब आती एच बार की बारी, एच बार क्या था, मैंने जैसे बताया था एच बार था क्या, इट वॉज द डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम दी सर्फेस ऑफ वाटर, ठीक है, थोड़ा सा उनको दिख नहीं रहा होगा, तो यहाँ पे होता है दैट इज डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द सर्फेस ऑफ वाटर, यू कैन से डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द कहां से, फ्री सर्फेस ऑफ वाटर से। तो हमारा फ्री सर्फेस ऑफ वाटर कहा है, ये रहा फ्री सर्फेस, है ना, इट इज आवर फ्री सर्फेस। तो सी जी कहाँ होगी, मैंने आपको बताया था रेक्टेंगुलर पोर्शन में सी जी क्या होती है, आपकी मिड में होती है, बीच में होती है, एकदम सेंट्रोइड में, ठीक है, यहाँ ये बीच में, यहाँ ये आपका जी होता है। तो अब जी निकालना है, तो यहां से यहां तक तो आई नो इट विल बी 3/2, दैट इज 3 का आधा, टोटल जो डेप्थ है उसका आधा, दैट इज अराउंड 1.5 मीटर। पर इस केस में क्या है, एच इज द डिस्टेंस ऑफ सी जी फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, तो यहां से हमको चाहिए हाइट, ठीक है। यहां से यहां तक वैसे 2.5 मीटर है, क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि 2.5 मीटर नीचे है, तो टोटल कितनी हो जाएगी, दैट इज एच बार, दिस विल बी दैट इज एच बार, ये कितनी हो जाएगी, इट विल 2.5 प्लस 1.5, as simple as that, 2.5 plus 1.5, it will give us 2344 meter, ठीक है। अब बस h भी आ गया हमारे पास, now we'll solve this, that is f is equal to, rho हो गया हमारे पास 10^3, g हो गया हमारे पास 9.81, area हो गया हमारे पास 6, and h bar हो गया हमारे पास 4, if we are going to solve it, we'll get the answer, मेरे पास फिर से मेरा कैल्सी नहीं है, ठीक है, आंसर ही देख लेते सीधा, क्योंकि देखो कैलकुलेट करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, यू कैन डू इट आल्सो बाय योरसेल्फ, ठीक है। तो अगर मैं इसको शेयर करता हूँ तो आप देख सकते हो इन्होंने वही लिखा है 1009, ये तो पहला वाला है, ए वाला, ठीक है, आई एम गोइंग टू बी इरा 9.81 × 6 × 4, और हमने भी सिंपल वही लिखा है, ठीक है। तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि वो पानी के नीचे है तो कितना नीचे है, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी, सो बाय दिस यू कैन चेक द आंसर। तो इनका आ रहा है 2345440 न्यूटन, ओके, एज सिंपल एज दैट। पर ये तो पहली हर्डल पार हुई हमारी, दूसरी हर्डल बाकी है, दूसरी हर्डल क्या है, दूसरी हर्डल है दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना, ठीक है, दूसरी हर्डल है सेंटर ऑफ प्रेशर। सर क्या चेंज होगा इसमें, ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा, वही हमारा जो एच बार है ना वो ही चेंज होगा, ठीक है। आईजी जो होगा वो बीडी क्यूब बाय 12 से निकलेगा, जो आपका फॉर्मूला है, ठीक है, जो इस जो पिछली बार निकाला था वो अराउंड 4.5 आया था, ठीक है। तो ओपन करते हैं, स्टॉप शेयर, और इसी थोड़ा इसको और ऊपर कर देता हूं ना। ऑन द सेंटर ऑफ प्रेशर वी आर हैविंग द फॉर्मूला दैट इज एच स्टार इज इक्वल टू आईजी अपॉन एच बार प्लस एच बार, है ना। Ig होता है हमारे लिए दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एक्सिस पासिंग थ्रू द सी जी। सो अगर आपको Ig निकालना है तो हम Ig निकाल सकते हैं, दैट इज Ig इज इक्वल टू BD क्यूब बाय 12, इट इज फॉर द रेक्टेंगल पोर्शन। B हमारे पास दैट इज विड्थ 2 है, डेप्थ हमारे पास 3 है, एंड विल डिवाइडेड बाय 12, तो इट विल बी अराउंड 4.5, ध्यान रखना इसकी यूनिट होती है मीटर टू पावर 4, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो एमएम के पावर 4 हो जाता है। आप अगर चेक भी करना कर सकते हो, बी जो है वो मीटर में, डी जो है वो भी मीटर में, तो यहाँ पे मीटर का क्यूब हो रहा है, एक मीटर का क्यूब और एक मीटर खुद है, तो इट विल बी अराउंड मीटर टू पावर 4, ठीक है। चलो गुड टू गो, आईजी आ गया, एरिया हमारे पास पहले से ही है, ठीक है ना, तो आईजी हमारे पास आ गया, एरिया हमारे पास पहले से ही है, एरिया हमने कहा निकाला था, एरा एरिया हमारा, ठीक है। एच बार भी हमने निकाल दिया था, ठीक है, एच बार एरा, एच बार भी हमारे पास है, नॉट जस्ट वी नीड टू पुट इन द वैल्यूज एंड वी कैन गेट द आंसर, ठीक है। Allied H star is equal to 4.5 divided by the area. Area is 6. H bar is 4 plus again 4. ठीक है? अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आंसर खुद ब खुद ही आ जाएगा, ठीक है।
इफ आई गो टू द बुक और अपन देख सकते हैं 4.5, ठीक है, नीचे 6.4 एंड प्लस, ठीक है, एज सिंपल इज दैट. तो इनका आंसर आ रहा है 4.1875 मीटर, ठीक है, इतना सिंपल. तो कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है. बस हाँ, इस टॉपिक में जो अभी मैंने तुमको नया ये टॉपिक कल से चालू कराया है, जो चीज तुमको इसमें समझने वाली है वो है डेरिवेशन, ठीक है ना. डेरिवेशन तुम लोगों को थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव जस्ट डन, ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नीचे ही आ जाते हैं इसके, ये रहा, ठीक है. ये क्या कह रहा है, डिटरमाइन ये 3.2 जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है. सो इन दिस क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है हमको, ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन द टोटल प्रेशर ऑन अ सर्कुलर प्लेट ऑफ डायामीटर 1.5 मीटर. इसकी बार आपकी बार क्या है, सर्कुलर एक प्लेट है, पिछली बार रेक्टेंगुलर थी, इस बार सर्कुलर है, विच इज प्लेस वर्टिकली इन वाटर इन सच ए वे दैट द सेंटर ऑफ प्लेट इज 3 मीटर बिलो द फ्री सर्फेस ऑफ वाटर. प्लेट को पानी में कुछ इस तरीके से रखा है कि जो उसका सेंटर है ना वो पानी के फ्री सर्फेस से 3 मीटर नीचे है, ठीक है. फाइंड द पोजिशन ऑफ सेंटर प्रेशर ऑल्सो, मतलब दोनों चीजें निकालनी है इसमें, है ना, सिंपल है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है. मैं एक बार डायग्राम बना देता हूँ, जो डायग्राम दे रखा है, ठीक है, तुमको यहाँ से दिखेगा नहीं, चलो मैं यहाँ बना देता हूँ, तुमको बाद में शेयर कर दूंगा. ये मेरा फ्री सर्फेस ऑफ वाटर हो गया, ठीक है, और इसके नीचे मेरे पास यहाँ पे कोई सर्कुलर एक प्लेट, ठीक है, और सर्कुलर प्लेट का ये सेंटर है, जो सेंटर की डेप्थ है वो है 3 मीटर, ठीक है, वो क्या है मेरे पास 3 मीटर है, और बस यही दे रखा है, उसके अलावा क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है, डाया ऑफ प्लेट हमको जो दे रखा है वो दे रखा है 1.5 मीटर, बस उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं, ठीक है. नाउ द ऑल अदर थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट इट बाय आवरसेल्फ. चलो मैं इसको स्टॉप शेयर कर लेता हूँ, नाउ वी विल लुक इनटू दिस मैटर. तो हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और मैंने इसको क्या कर रखा, थोड़ा सा पानी में डुबा रखा है, ठीक है, यहाँ आपका पानी है ऐसे, और ये नीचे है 3 मीटर, ठीक है. नॉर्मल टू कैलकुलेट ऑल थिंग, तो फर्स्ट चीज हमको जो निकालनी है वो है हमारे पास वही, दैट इज फोर्स. तो फोर्स है हमारे पास रो जी ए एच बार, सिंपल एज दैट. हर एक चीज लिख लेते हैं अपन लोग. हमारे पास जो रो है वो है हमारे पास 10^3 किलोग्राम पर मीटर. इवन चीजें लिखना, हाँ, एग्जाम्स में अच्छा रहेगा. जी हमारे पास 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एरिया, एरिया क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सर्कल है तो आप लिख सकते हो पाई बाय 4 डी स्क्वायर. पाई बाय 4 डी, डी इज द डायामीटर, ठीक है, तो यू कैन राइट पाई बाय 4 एंड डायामीटर हमारे पास है 1.5. यूनिट वनिट चेंज करने का लोचा नहीं है, ठीक है ना, वी कैन इजीली स्क्वायर इट, ठीक है. मेरे पास फिर से कैल्सी है नहीं, ठीक है, तो अगर अपन इसको स्क्वायर करेंगे तो वी विल गेट अराउंड 1.767, ठीक है, 1.767 मीटर स्क्वायर. इट्स एन एरिया तो इट विल बी इन मीटर स्क्वायर. तो एरिया विल बी लाइक दिस एंड देन वी नीड द एच बार, वी नीड एच बार फॉर इट. सो एच बार इन आवर केस विल बी 3 मीटर बिकॉज इट इज गिवन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन कि जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो 3 मीटर की डेप्थ पे पानी से. तो सर्कल का जो सेंटर होता है ना वो ही उसका सीजी भी होता है, ठीक है. अगर कोई भी अगर सर्कुलर प्लेट लेते हो तो इट विल बी नोन एज एट सीजी, ठीक है, वही उसका हमारा सीजी होता है. तो 3 मीटर हो गया इस केस में हमारा. नाउ एवरीथिंग इज डन, वी आर गुड टू गो. हम लोग फोर्स लिखते हैं 10^3 1.767 and we are having h bar as 3 meter, ठीक है. तो आंसर देख ले क्या आंसर आ रहा है, ठीक है. यू कैन सी रो हो गया 1000, हमारे केस में भी हमारा 1000 है, ठीक है, 9.81 1.767 और 3, तो वी विल गेट आंसर 5200 2.81, ठीक है, 5200 2.81 न्यूटन, इट विल बी आवर आंसर, ठीक है. पहली हर्डल पार हो गई. नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड हर्डल. सेकंड हर्डल में कुछ नहीं, बस ये आईजी निकालने का लोचा, ठीक है, ये जो आईजी है ना उसको निकालने का प्रॉब्लम. आईजी का फॉर्मूला ध्यान रखना, सर्कल के लिए होता है पाई डी 4/64, ठीक है. तो मैं लिख देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी कैल्सी नहीं है तो वी विल हैव दैट प्रॉब्लम. सो मैं सेकंड में लिख देता हूँ, दैट इज आईजी फॉर सर्कल, इट इज गिवन बाय पाई डी 4/64, ठीक है. पाई डी क्या है, डी इज द डायमीटर, डायमीटर हमारे पास 1.5 × 10^4 / 64, तो इट इज हैविंग आंसर 0.2485 एम की पावर. Now IG आ गया, तो we need the other things, that is H star will be equal to IG upon A H bar plus H bar, okay?
नाउ आई जी हमारे पास है, दैट इज 0.2485 डिवाइड बाय एरिया, एरिया कहाँ है, एरिया ये ना 1.767, एच बार भी हमने जस्ट निकाला, ये रहा दैट इज 3 मीटर प्लस 3 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू, आंसर देख लेते क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है आपके पास 3.0468, ठीक है, तो 3.0468 मीटर विल बी आवर आंसर, ओके, एज सिंपल इज दैट। तो देखो कितने सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है तुमको, और ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं कैसे होगा। सो वी आर हैविंग अ टैंक इन दिस क्वेश्चन, जैसे एक आपका कोई पानी का टैंक हो सकता है छत पे, ठीक है, और उसमें 3 मीटर डायमीटर की एक ओपनिंग है, लेट से यहाँ पे कोई ओपनिंग है, ठीक है, अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बनाऊं तो ये कुछ ओपनिंग इस तरीके से होगी, ठीक है ना, इट विल बी इन द डायमीटर ऑफ 3 मीटर, ठीक है, 3 मीटर का इसका क्या है डायमीटर, बट यस इट इज क्लोज्ड बाय अ डिस्क ऑफ 3 मीटर डायमीटर, इसके ऊपर एक डिस्क लगी हुई है जो इस ओपनिंग देती है यहाँ पे, ठीक है, एक डिस्क लगी हुई है, एंड इट रोटेट्स अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये जो डिस्क है ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन के अबाउट क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है, ठीक है ना, इट विल रोटेट अबाउट लाइक दिस, ठीक है, अगर पानी हिट गया तो इट विल रोटेट और पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है, और नहीं है तो बंद हो जाएगा, इट कैन रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के अबाउट वो क्या कर सकती है, रोटेट कर सकती है। Now it is asking about calculate the force on the disc and the torque required to maintain the disc in equilibrium in the vertical position when the head of water above the horizontal diameter is 4 meter. ठीक है, ये बोल रहा है कि अगर इस सेंटर लाइन के इस जो हमारी डिस्क है इसके ओरिजिनल इसके सेंटर से ऊपर अगर पानी कितने कहाँ पे 4 मीटर की हाइट तक का है तो हमें बताओ कि कितना टॉर्क जरूरी होगा कि ये वहीं रहे, टॉर्क होगा मतलब इन द सेंस इसको कितना अपन को मूवमेंट लगाना पड़ेगा कि वहीं रहे, ठीक है। नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू कैलकुलेट हियर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, तो फोर्स का क्या फॉर्मूला होगा हमारे पास की बार, सो हाँ एरिया तो हो गया हमारा 7.06, एच बार हो गया 4 मीटर, ठीक है, तो इसमें यहां लिख देता हूं 7.068, इनको मल्टीप्लाई कर देते वी विल गेट द टोटल फोर्स इनटू 4 into 9.81 into 1000, we are getting around 277371.2 newton, it's a force, you know, don't forget to write the units, it's a force, so we can write it in newton. Now the main twist is here is about the torque, how we are going to calculate the torque, the torque kaise calculate karne wale hum log wo dekh lete hain. Now to find the torque required to maintain the disc in equilibrium, first calculate the point of application of force acting on the disc, that is center of pressure. तो आपको वो निकालने से पहले center of pressure निकालना जरूरी है क्योंकि उसके along moment लगेगा. तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे हमारा जो center of pressure का formula वो use करना पड़ेगा, that is Ig upon A h bar plus h bar. और क्योंकि circle का हमारे पास pi by 64 का d की power 4 होता है, वही formula आपको लगाना, वही area लिखना, वही सारी चीजें करके आपको एक बार center of pressure निकालना. Now ये हमारे पास अभी डायग्राम है, देखो आप यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं अभी ये आप पे छोड़ रहा हूँ कि सेंटर ऑफ प्रेशर आप खुद निकाल दोगे, बाकी का मैं आगे का मैं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, सेंटर ऑफ प्रेशर में सीधा का सीधा लिख रहा हूँ क्योंकि वही एक चीज बार बार करने का भी सेंस नहीं, ठीक है, तो जो आईजी आ रहा है इन लोगों के पास, सॉरी आईजी क्या, जो सेंटर ऑफ प्रेशर दैट इज एच स्टार जो इनके पास आ रहा है वो है हमारे पास अराउंड 4.14 मीटर, ठीक है, 4.14 मीटर. नाउ The thing is that the force F is acting as a distance of 4.14 from the free surface. मतलब कि ये जो H bar है, वो कितना आया हमारे पास? That is, it is around your 4.14. ये यहाँ पे कहीं लग रहा है. ये disc है, ठीक है ना? यहाँ से लेके यहाँ तक ये disc है जो आपको thick portion में दिख रहा है, pink thick portion में दिख रहा है. That is your disc. तो disc के जो pressure है, वो यहाँ लग रहा है. Now, moment of this force is about horizontal diameter. तो जो horizontal diameter है, that is X, ये हमारे पास. ये जो लाइन है इसके अलग अपन को डायमीटर देखना है क्योंकि ये फोर्स उसको वहां पे घुमाने की कोशिश करे, ठीक है, उतना टॉर्क हमको चाहिए होगा. तो फोर्स लग रहा है हमारा यहां से इस पोर्शन से और हमको सिर्फ यही एरिया चाहिए, यही लेंथ चाहिए, यू कैन से चाहिए सर यही लेंथ ये हाइट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायमीटर सीजी से पास होगा, ठीक है, सीजी से ही पास होगा, वो सीजी से ही घूम रहा है, तो हमको सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए. तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एच स्टार में से एच बार को माइनस कर देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी इतनी सी, ये छोटी सी है ना, ये डिस्टेंस चाहिए हमको, तो हम उसको इससे कर देंगे, तो वी विल हैव द टॉर्क हियर दैट इज 38831 न्यूटन मीटर. मतलब इतना धक्का आपको दूसरी तरफ से लगा के रखना पड़ेगा ताकि आपका पानी यहां से बाहर नहीं निकले,
या कह सकते हो कि ये जो आपका डिस्क है वो खुले नहीं, ओपन ना हो, रोटेट ना हो. इट इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन दैट डिस्क इन इक्विलिब्रियम. ठीक है, इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश करना. आपके पास ये टैंक हो गया, ठीक है, यहाँ कहीं आपके पास क्या है, आपकी डिस्क, ठीक है ना, ये इतनी बड़ी आपकी क्या है, डिस्क, ठीक है, पूरी की पूरी. यहाँ आपका जी है, ठीक है, अंदर की तरफ, ठीक है, मैं थोड़ा नीचे लगाया, और कहीं से आपका फोर्स लग रहा है, दैट इज सेंटर ऑफ प्रेशर पे, दैट इज पी पे. ठीक है, फ्री सरफेस ऑफ वाटर जो है वहां से इनकी हाइट दे रखी है आपको सारी की सारी. ठीक है, ये जो डिस्टेंस होती है जी तक उसको अपन बोलते हैं दैट इज एच बार. ठीक है, और यहाँ नीचे तक जो होती है हम उसको बोलते हैं दैट इज एच स्टार. ठीक है, ये हमारा फोर्स यहां से लग रहा है तो वी जस्ट नीड द डिस्टेंस इन बिटवीन दैम. ठीक है, सिर्फ मुझे ये वाले डिस्टेंस से. ठीक है, क्यों? क्योंकि मेरी प्लेट इस पॉइंट के अलोंग क्या करेगी, रोटेट करेगी ना, इस पॉइंट के अलोंग मेरी डिस्क क्या करेगी, इट विल रोटेट. सो वी नीड दैट इज फोर्स इनटू दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस. द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव अस द टॉर्क. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ये सिंबल लगाया मैंने यहाँ पे. ठीक है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे केस में हो सकती है एच स्टार माइनस एच बार. यू कैन इजीली राइट एच स्टार माइनस एच बार. और हमारे पास एच स्टार तो अभी पीछे सेंटर प्रेशर हमने निकाल दिया, एच बार उससे पहले हमको ध्यान था 4 मीटर का. तो वी कैन राइट, और फोर्स भी हमने निकाल दिया 277368 4.14 माइनस 4, वी विल गेट अराउंड 38831. इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मीटर, तो 3831 न्यूटन मीटर. एज सिंपल एज दैट, है ना, इतना सिंपल, यू कैन इजीली गेट द आंसर. दूसरे आगे और क्वेश्चन से, पाइपलाइन वाला है ये कुछ एक क्वेश्चन, कल करवा दूंगा ये वाला क्वेश्चन. ठीक है ना, नो नीड टू वरी अबाउट इट.